श्रीमती कमला देवी पाटले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश में स्थापित किए जा रहे विद्युत कंपनियों, उनकी उत्पादन क्षमता अधिकांश भाग में दूसरे क्षेत्र में बिजली का आपूर्ति करता है, जबकि उस क्षेत्र में बिजली कटौती की जाती है। सरकार इस संबंध में कौन सी कदम उठाने पर विचार किया है, इस संबंध में जानना चाहती हूँ। मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी ताप का केंद्र या बिजली का केंद्र किसी भी राज्य में स्थापित होता है, इसके पीछे कई कारण हैं। अगर कोयले के ऊपर आधारित हो तो वो कोल ब्लॉक के समीप होना चाहिए, रेल हेड के समीप होना चाहिए, ज़मीन उस ताप केंद्र के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। अगर वो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट हो तो रन ऑफ वाटर के समीप होना चाहिए, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी और जियोलॉजिकल स्टडी के आधार पर। और इसलिए हमारे देश में चाहे हाइड्रो के हों, कोल के हों, लोकेशन बेस्ड स्पेसिफिक, जहां ज़मीन और बाकी संयंत्र उपलब्ध हो वहां ये ताप के केंद्र स्थापित होते हैं। जहां तक राज्यों के बीच के बारे में बंटवारा का जो प्रश्न उठाया है माननीय महोदय सांसद महोदय ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी कोई भी ताप का केंद्र किसी एक राज्य में स्थापित हो, जो PPA साइन किया जाता है, जो वर्तमान के समय में थर्मल में पूरी तरह से कंपेटिटिव बिडिंग के आधार पर किया जाता है, वो PPA केवल एक राज्य के साथ नहीं लेकिन कई राज्यों के बीच में वो PPA साइन होते हैं इंडिपेंडेंटली, नंबर वन। नंबर टू, उस ताप के संयंत्र में से जो एक प्रोपोर्शन होता है अनएलोकेटेड पावर जो केंद्र के पास रहता है, उस अनएलोकेटेड पावर का भी सबसे अहम भूमिका पहले उसी राज्य को मिलता है जिस राज्य में वो ताप का केंद्र स्थापित है। तो एक सामान्य तौर पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक राज्य को आसपास का उसे मिले, लेकिन जिस राज्य में स्थापित हो सबसे ज़्यादा ताप उसी राज्य को मिल पाए। Yes, please.